हेलो सो व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक अब्दुल खालिक में। भाई अगर आप एक पीसी या लैपटॉप वगैरह यूज़ करते होगे तो आपको एक प्रॉब्लम तो ज़रूर आई होगी। अगर नहीं आई है तो आ भी सकती है। तो क्या प्रॉब्लम है मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉब्लम आ रही है प्रॉक्सी सेटिंग से लेकर। दोस्तों मैं सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र अपना ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा क्रोम ब्राउज़र जो है ओपन हो गया है। तो यहाँ पे गूगल आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करूँगा, यानी मैं कुछ भी सर्च कर लेता हूँ, एक्स वाई जेड मतलब कुछ भी सर्च कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो यहाँ पे देख सकते हैं, वाईफाई जो है मेरा वो कनेक्ट है, ठीक है। मैं आपको वाईफाई पे ले जाकर दिखा देता हूँ, कभी आप ये कहे कि वाईफाई आपका कनेक्ट ना होगा या इंटरनेट कनेक्शन ना होगा। तो मैं देख सकते हैं कि मेरे जो वाईफाई कनेक्शन है यहाँ पे कनेक्ट है, टैग अब्दुल खाली मेरा वाईफाई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ तो यहाँ पे आता है नो इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द प्रॉक्सी सर्वर और द एड्रेस इन इज इनकरेक्ट ट्राई, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है चेकिंग द प्रॉक्सी एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे डिटेल्स आ जाती है और डिटेल्स इसकी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में बहुत सारे यूट्यूबर ने है इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है, बट वो सेटिंग करके नहीं दिखाई। बस क्या करके दिखाया कि विंडो आर ओपन कीजिए और यहाँ पे वो टाइप कीजिए और ये वो बस आपका हो जाएगा, बस आपको ये दिखाया है। बट आप दोस्तों मैं बताऊंगा कि आप इसी के अंदर से ही ये सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप फायरफॉक्स ब्राउजर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको यही प्रॉब्लम आने वाली है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक। तो फायरफॉक्स ये ओपन किया तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं मेरा फायरफॉक्स ब्राउजर जो है वो सिंपली ओपन हो गया। अगर मैं यहाँ पे भी सर्च कर लेता हूँ, देख लेते हैं यहाँ यहाँ चले गए नहीं इंटरनेट। तो दोस्तों यहाँ पे भी दिखा रहा है साफ साफ द प्रोक्सी सर्वर इज रिफ्यूजिंग कनेक्शंस। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम नहीं यूज़ कर पा रहे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपली मैं आपको क्रोम ब्राउजर में ही आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा और 100% गारंटी लेता हूँ ये 100% आपका नेट जो है चलेगा फिर, ठीक है। तो आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। तो सिंपली मैं सेटिंग में जाता हूँ, मैं आपको बहुत ईजी स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सेटिंग में यहाँ पर जाना है, ठीक है। और यहाँ पे एक एडवांस का ऑप्शन होगा दोस्तों, एडवांस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर जो है क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पॉपअप जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्च सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिख देना है प्रोक्सी, ओके। और ये आपके सामने आ जाएगा ओपन प्रोक्सी सेटिंग। तो आपको इस पे जो है क्लिक कर देना है। तो सिंपली मैं इस पे जो है क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का जो इंटरफेस शो होगा। अब आपको क्या करना है, बस आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, सिंपल सी एक छोटी सी सेटिंग करनी है। लैन सेटिंग पर जाना है आपको, ठीक है। लैन सेटिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखा होगा यूज अ प्रोक्सी सर्वर, ठीक है। फॉर योर लैन दिस सेटिंग्स विल नॉट अप्लाई टू डेल अप और VPN कनेक्शन। तो आपको इस पर जब टिक होगा तो इस पर से हटा देना है टिक और कर देना है इसे ओके, ठीक है। और यहाँ पे भी कर देना है आपको ओके, ठीक है। बस आपकी जो सेटिंग जो है वो हो गई है। अब सिंपली करना क्या है, अब देखो यहाँ पे ये आ रहा था और अब मैं यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ कुछ भी, ठीक। तो मैंने सर्च कर दिया और देखते हैं, अब देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा जो नेट जो है वो चल गया है और आपका भी चल गया होगा 100%। तो बस यही थी छोटी सी सेटिंग, बस आपको बहुत हेल्प मिली होगी। तो यार बस हेल्प के बदले आप सब्सक्राइब कर दो बस चैनल को, ठीक है। तो ताकि मैं आपको सॉल्यूशन वीडियो और टेक वीडियो सबसे पहले आपको इस चैनल पर लाता हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो ओके बाय।